हैविंग ब्रेकफास्ट, और अगर आप सिर्फ मैगी खा रहे हो तो आप उसमें चीज ऐड कर दो, हेल्दी हो जाता है। तो अभी चीज ऐड करते हैं इसमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। थोड़ा सा फंबल हो गया पर कोई नहीं। तो अभी जा रहे हैं बाल कटाने के लिए, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में कहा था। तो अभी बाय बाय बोलना पड़ेगा अपने इस लंबे लंबे बालों को। मम्मी बहुत खुश है क्योंकि काट रहा हूँ। बोलो। ओके, नहीं नहीं बोल रही, कुछ खास नहीं बोल रही। तो अभी चलते हैं। वैसे भी नाश्ता वाश्ता करते करते थोड़ा टाइम हो गया था, और पुराना व्लॉग टाइम पे आते हैं। अभी व्लॉग जब अच्छे टाइम पे एडिट हो जाता है, 9:30 बजे शेड्यूल हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं थी। और आज जल्दी उठा था मैं, ठीक है। लास्ट व्लॉग में कहा था कि हम 6 बजे नहीं तो 7 बजे मैक्सिमम ऊपर नीचे उठ जाएंगे, तो आज हम 7 बजे उठ ही गए थे। और उठने के बाद इतना कुछ काम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो दुकान नहीं खुली होगी, तो अब जाके करा कहते हैं। अब 11:30 हो गए, तो नाश्ता करते करते लेट हो गया, मेरे घर वाले लेट नाश्ता बनाते हैं, तो फिर करते हैं। तो अभी हम निकले हैं, लेकिन मम्मी बोल रही हैं क्या कि संडे है, संडे के दिन कंप्लीट लॉकडाउन होता है, तो तेरे को देखना पड़ेगा कि कटवाएंगे, मतलब बाल कटवाने का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज सारे शर्ट तो डाउन होते हैं। पर मेरे को एक भैया ने बोला था कि बाहर से करना और फिर अंदर आ जाना, तो लेट्स सी वो वर्क करता है कि नहीं। और अभी चलते हैं, लेट हो रहा है। तो भैया फिलहाल मिल चुके हैं एंड शॉप खोलेंगे अभी। अभी बाल कटाने का है, बाल बाय बाय बोलना पड़ेगा बाल को। चलो चलते हैं। फाइनली डन विद द हेयर। अजीब लग रहा है थोड़ा सा, लंबे बाल थे पहले, अभी छोटे। तो सैलून के बाद हम लोग यहाँ पे क्विक आए, और बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, मेरा मुंह देखे बड़ा छिले हुए मुर्गे जैसा लग रहा है। और अभी हम लोग गैरेज में आए पूछने के लिए कि क्या हो सकता है, बन सकता है कि नहीं। एंड अभी टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ऑफिस में आऊँगा, नीरज को बाइक की चाबी देके भेजूंगा, इनकेस अगर बन गया तो लॉक तोड़ना ही पड़ेगा, देखते क्या होता है। तो बाइक का काम तो नहीं हुआ, बिकॉज वो खर्चा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है कि गेयरबॉक्स चेंज करना पड़ेगा वगैरह, क्या बोल रहे पता नहीं। एंड तो इसलिए मैं सोच रहा 2-4 गैरेज पर और दिखा लूँगा। एनीवेज अभी घर पर जाते हैं एंड बाल दिखाते हैं। मेरे को मेरा सर बहुत लाइट फील हो रहा है। आप लोग भी कैसा लग रहा होगा, चालू कैसे किया और दिख कैसे रहा है। क्या मैं कैसा लग रहा है? इतना खराब है क्या? सही लग रहे हैं यार, अच्छे लग रहे। इतना छोटा करवाऊंगा तो सर एकदम गंजा होता गया मेरा, मैं कूल लग रहा है। देखो कैसा मालूम है, लड़के लोग का ऐसे ही रहता है, जब वो बाल कटाते हैं अच्छा लगता है, 10 दिन बाद एकदम निखर के, वो क्या बोलते हैं, निखार आता है, निखर के एकदम निखार आता है। चलते सैनिटाइज करते हैं, नहाते मिलते हैं। तो अभी नहा के रेडी हो गए, और अभी आज टी शर्ट पहन के जा रहा हूँ, बिकॉज आज संडे है तो आज टी शर्ट अलाउड है, और छुट्टी होती है सब लोग की, तो आज बहुत सही दिन है। और बाल देख के एकदम चप्पू लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, लड़के जब बाल कटाते हैं ना तो 5-6 दिन तक बहुत अलग लगते हैं, उसके बाद फिर बाल एकदम मस्त लगने लगते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, तो हमें नॉर्मल में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 2-4 दिन आप ये मुंह सह लो, मतलब मैं तो नहीं सह पा रहा हूँ, लेकिन आप सह लो। मेरी मम्मी पता नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे थे यार, एकदम मस्त कटा है एकदम। मम्मी बोलती कि तू हर बार ऐसे ही कटा गया था, हर बार ऐसे कटा गया था, और ये रियल फैक्ट भी है, क्योंकि मैं जितनी बार भी कटा गया तो मैं उसको कितने अलग अलग लोगों की फोटो दिखाई है, बट वो हमेशा सेम कट काटता है मेरा। अब आई डोंट नो, शायद बाल ही ऐसे सेम ही कटते हैं हर बार। एनीवेज अभी खाना खाते हैं और आपको ऑफिस लेके चलते हैं। चलो ऑफिस में, संडे आपको ऑफिस में घुमा के लाते हैं। तो हो गया खाना बना सब, अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। चलो I can't lie, memorize, but
ओए लौंडे ओसे सर हेलो बोल दो हेलो हाय हाय एकदम मस्त सर है यहाँ कौन है अच्छा मलिक सर नमस्ते पापा नया नया पापा बना है मिठाई कौन देगा मिठाई कौन देगा मिठाई विठाई नहीं चाहिए मच्छी उच्छी बना के लगाओ से अपने मस्त क्या बोलते हैं कौन सी मच्छी कौन सी मच्छी हाँ नहीं रोटी सब्जी सर क्या लूँगा नीरज इधर अभी टिफिन खाना चल रहा है डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ ब्लॉगर फ्रेंड सब शूट कर मुंह में वो शादी वाले नहीं हो देगा खाओ 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 शादी वाले नहीं हो देगा मुंह पे कैमरा मार के रखते एकदम क्या बोलते विपुल कैसा लग रहा आपको पापा बनके विपुल ठीक लग रहा है पापा बनने कैसे लग रहा है ठीक लग रहा है कुछ फर्क आया कि नहीं जिंदगी में पहले हम लोग इसको इसका निकनेम मच्छी रखे थे क्योंकि ये बहुत मच्छी खाता था अभी इसको विपुल जी बोलेंगे ऐसे क्या बोलते हैं विपुल जी हैंडशेक अभी कौन सा मच्छी कम खाता है लेकिन अभी पापा बन गया ना इज्जत देना पड़ेगा ना भाई इसकी जो बेटी है वो बड़ी हो जाएगी बोलेगी मेरे बाप को लोग मच्छी बोलते थे तो ये हमारे जेपी सर हैं और इनका क्या सीन है मैं बताता हूँ आपको ये पार्टी के टाइम एनी टाइम रेडी रहती है वो पंचायत में देखा ना कि हाई लिखो ग्रुप में और पार्टी के लिए रेडी इनको खाली मैसेज कर दो आधी 11 बजे मैसेज करो ना कि कुछ खाने चलते क्या करके ऐसा तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ उगाड़ निकाल के लाए देंगे अगर कैसा सर आपकी वाइफ देखेंगे हाय तो बोल दो उनको नाम लेके हाय बोल दो हाय हाय अरे मेरे को नहीं आपकी वाइफ भी देखेंगे ना वीडियो बाद में ऐसा तो आज का डिनर यहीं पे कर लिया है और डिनर इसलिए किया बिकॉज घर पे जाके सीधा एक्सरसाइज करनी है एक घंटे में डाइजेशन करने टाइम लगा घर पे आके सैनिटाइज होना करते 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 टाइम लग जाएगा सो घर पे आके सीधा एक्सरसाइज करेंगे तो मैं डिनर लेके ऑफिस में आया था और मैंने ऑफिस में डिनर कर लिया था अपना मतलब जो टिफिन था लाया था मैं बिकॉज घर पे जाके प्लान था कि मैं घर पे आके थोड़ी देर में मतलब 9 बजे मैंने डिनर किया तो एक घंटा लगे मतलब पूरा डाइजेस्ट होने में तो एक घंटे बाद मैं वर्कआउट कर सकता हूँ लाइक 10:30 तक आई थिंक मैं वर्कआउट चालू करूँगा बिकॉज मैं सुबह नहीं गया था और इसलिए अभी सोच रहा वर्कआउट करूँगा फिर सोऊंगा इसलिए अभी मम्मी ने पूछा था कि खाना सॉरी बहुत शोर है यहाँ पे मम्मी ने पूछा था कि खाने में क्या चाहिए इधर को तो मैंने बोला खाने में कुछ नहीं था तो मैंने बोला अंडे कर दूँ तो बोला हाँ 2 अंडे बॉइल करके रख देना वो खा के सोऊंगा बिकॉज ऑलरेडी खाना खा लिया है तो लेट्स गो होम एंड ऑफिस में टाइम हो गया अभी 10 बज गए तो लेट्स गो तो केम बैक होम और चेंज कर लिया है पूरा सैनिटाइज वैनिटाइज कर लिया है और अभी बज रहे हैं 10:30 हो रहे हैं सो भी हम वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट करने का इम्पोर्टेंट रीजन क्या है मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि कल मेरी छुट्टी है तो कल अच्छा खासा वर्कआउट लगा लूंगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कल भी नहीं किया था कल सैटरडे था इसलिए नहीं किया था बर्थडे के बाद वाला दिन सो इसलिए आज करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आज नहीं करूंगा तो फिर वो डिसिप्लिन ना ऐसे करके खत्म हो जाती है कि कल करते हैं तो आज एटलीस्ट थोड़ा लगाना है और कल से तो मतलब कल तो करना ही है ऑब्वियसली सो अभी चलते हैं वर्कआउट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बिकॉज 12 बजे के पहले सोना भी है यार तो इसलिए और सुबह जल्दी भी उठना है रनिंग करने जाना है बहुत काम है ठीक है और ये बाल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आपको कितना भी स्टूपिड लग रहा हूँ आई डोंट नो बट मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं मतलब जम रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है बहुत एनर्जी है मतलब लिटरली मेरी एनर्जी डाउन नहीं जब से मैंने बाल कटाए वाले ठीक है अब पता नहीं क्योंकि मेरे को बार बार ऐसे करना पड़ता था ना तो मेरे को बहुत मतलब आप कौन सी वीडियो उठा के देख लो मेरे को हर 5 मिनट में करना पड़ रहा है ऐसा मैं जिस दिन लंबे बाल सेट करना सीख जाऊंगा ना मतलब करना कि हैंडल करना सीख जाऊंगा कैसे रखते हैं उस दिन मैं एकदम मस्त रखूंगा एकदम बन मिन बना के घूमूंगा अच्छा लगता तब तक नहीं और अभी चलते वर्कआउट करते चलो Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't
turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know. If you reach out and touch, my mind is a battle. I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. रात का खाना हमारा ये डाइट और एक ग्लास दूध ऋषि जी प्रिपेयर कर रही हैं। थैंक यू ऋषि जी एंड हैप्पी मदर्स डे टू माय मम्मी। कल रात को विश कर दी थी आप, पहले बता दो। थैंक यू, कल भी विश किया था मेरा बेटा, याद रखता है ऐसा। कैसे विक्टिम जैसे बोल रही हो मम्मी। तो कल रात को हुआ क्या था कि नहीं आपको हम लोग सो के उठा के विश नहीं किए थे? मैं और ऋषि सोई थी, आप पूछो ऋषि को बताएगी। कल रात को क्या होता, मम्मी पूरी सो गई थी और मम्मी का कैसा है अगर वो सो जाती है और उनको उस टाइम जगाओ ना अगर, तो उनको बहुत चिड़ होती है। तो कल रात को मैंने देखा कि किसी ने स्टेटस आता हैप्पी मदर्स डे का, तो मैंने यार अभी इधर ही सोई है तुरंत विश कर देता हूँ। मेरे को जागी हुई थी, बोला मम्मी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, मैं पहले बोलने के लिए फटाफट विश कर दी। वैसे वैसे बोलते बोलते मैंने मम्मी को तीन बार उठा दिया। मम्मी बोलते हैं सो जाओ क्या मदर्स डे मदर्स डे, ठीक है। और अभी उनको याद भी नहीं कि उन्होंने बोला है, तो मैंने अभी विश कर दो। वैसे ही मम्मी मदर्स डे से ऐसा कुछ होता नहीं अपने लिए, रोज़ मदर्स डे क्या बोलती हूँ। डेली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। अरे वाह क्या पहली बार तो तारीफ किया भाई, लिख लो ये व्लॉग में। एक घंटे का प्रॉपर वर्कआउट था, मैं 10:45 के आसपास स्टार्ट किया था और 11:45 को खत्म कर रहा हूँ, और 11:45 को ऑलमोस्ट 11:45 हो रहे हैं उसको, 11:45 खत्म कर रहा हूँ। अच्छा वर्कआउट था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि लेट नाइट जमता कि नहीं जमता, बट बहुत सही वर्कआउट था। अच्छा और डिसीजन लिया मैंने कि वर्कआउट मैंने किया और तो सही है। अभी सुबह जल्दी भी उठना है, सुबह भागने जाना है हमको, इसलिए सो हैप्पी मदर्स टू ऑल योर मदर्स फ्रॉम माई साइड। एंड ख्याल रखो यार अपनी माँ का, बहुत प्यारी होती हैं, ठीक है, और हेल्प कर दिया करो। मैंने सोचा था आज मेरी मम्मी को सरप्राइज देने का कि मैं मदर्स डे के पूरा काम करूँ, पर मेरे बस की नहीं है तो फेक करके मतलब नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि वो जो कर सकते हो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए अपने लिए वैसे भी हर डे मदर्स डे होता है, एक दिन मदर्स डे बना के क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए तो वैसे मम्मी अपना सोशल मीडिया वाला नहीं, पहली बार तो मैंने आपका स्टेटस डाला, वरना तो रियल में अपन मदर्स डे सेलिब्रेट करते, क्या बोलते हो? तो ऐसा तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को खाना है। वीडियो खत्म कर ले तो फिर हम बात करते हैं ना, इज्जत इज्जत सब बात करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक, दो बार बोल चुका हूँ, तीन बार बोल चुका हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो, नए हो सब्सक्राइब करो, कभी भी कर लेना, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, लाइक करो और वीडियो देखते रहा करो यार। मिलते हैं नए ब्लॉग में कल सुबह 9:30 बजे, तब तक बाय, लव यू गाइस। एक नया चीज सीखा था मैंने, पीस।